धार जिले के औद्योगिक क्षेत्र में बसा माधवपुरा गांव में हाईकोर्ट के आदेश के बाद 56 मकान तोड़े गए। करीब 300 पुलिस के जवान एहतियात के तौर पर मौके पर लगाए गए। 5 घंटे की कार्यवाही के बाद 56 मकान ध्वस्त किए। मौके पर ग्रामीणों और पुलिस थाना का हल्का फुल्का विरोध भी देखा गया। सालों की लड़ाई के बाद आखिरकार ग्रामीणों के मकान तोड़े गए। पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र के ग्राम मधुपुरा गांव में 56 मकानों को हाईकोर्ट के आदेश के बाद तोड़ा गया। दरअसल ऑटो टेस्टिंग ट्रैक के लिए केंद्र सरकार द्वारा किसानों की भूमि अधिग्रहण की गई थी। कुछ किसानों के गांव भी इस भूमि अधिग्रहण में आ गए थे। अधिकरण के माधवपुर गांव भी शामिल है। माधवपुरा गांव किसानों ने मकानों का मुआवजा नहीं मिला था और हाईकोर्ट में केस दायर किया था। हाईकोर्ट में केस हार जाने के बाद किसानों के मकानों को तोड़ दिया गया है। लॉ एंड ऑर्डर के चलते धार और इंदौर की पुलिस बल मंगवाया गया था। करीब 300 के अधिक जवान सहित अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर ऑटो टेस्टिंग के अधिकारी भी मौके पर मौजूद थे। पीथमपुर से संजय सुनगरा की रिपोर्ट। सर, आज भारी पुलिस बल के बीच जो है गांव को खाली कराया गया है। क्योंकि ये बहुत पुराना प्रकरण है, इस गांव से जुड़े हुए जो केसेस हैं और इनका यहाँ से एनक्रोचमेंट या जो यहाँ पर स्थापन के हिसाब से उनको हटाने की जो कार्रवाई थी उसमें प्रशासन और मैट्रिक्स के द्वारा जो डिमांड निकली थी बल इसके अनुसार बल उपलब्ध कराया गया। क्योंकि एक बड़ा एरिया था और ज़्यादा लोग थे सुरक्षा की दृष्टि से और डिमांड के अनुसार यहाँ पर बल की उपलब्धता कराई। लगभग कितनी संख्या में इंदौर और धार दोनों जिलों से बल पहुँचा? हाँ, बाहर से भी और लोकल इंदौर में भी, इंदौर के अलग अलग थानों से अधिकारी और कम से कम 300-400 लोगों ने यहाँ पर बल डिप्लॉय किया। सुबह जब कार्रवाई की शुरुआत हुई तो किसी तरह का लोगों ने विरोध किया या फिर? नहीं, लोगों ने स्वेच्छा से सारी चीज़ों को सपोर्ट किया है और उनके खुद अपने सामान में निकाला तो पूरा सहयोग करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।